हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑल इंडिया न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और चैनल के द्वारा नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल के बेल आइकन को दबाना न भूलें। स्वागत करता है, मैं सम्मानित विधायक महोदय विनय सक्सेना जी के स्वागत के लिए भाई कपिल दुबे कर्जदार है। इस शहर का कर्ज हमें उतारना है कि हम इस शहर को कैसे इंदौर के बराबर खड़ा कर सके। वहां इंदौर वाले भी तो इंसान हैं, दो हाथ पैर उनके हमारे भी हैं, उनमें इच्छा शक्ति थी, शहर के प्रति समर्पित भाव था, समर्पण का भाव था, इसलिए मिनी बंबई के रूप। नगर पालिका द्वारा नगर निगम कर्मचारियों का संभागीय सम्मेलन का किया आयोजन। यह खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से है, जहां जबलपुर नगर निगम ने नगर पालिका के द्वारा नगर निगम कर्मचारियों का संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री लखन घंघोरिया भी शामिल हुए। कर्मचारियों ने इस मौके पर अपनी समस्या सामने रखी। कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले समय में प्रशासन से उम्मीद है कि उनके पक्ष में कुछ अच्छे निर्णय लेगी। आपके सर्टिफिकेट नेशनल कितने सर? दो हैं, मतलब 100-200 मीटर में, मतलब आपकी जगह नेशनल है जी सर। लेकिन आप कुर्सी में बैठे हो, जमीन पे क्यों बैठे हो? ये उठा ऊपर करूँ जी। मेरा नाम मनमोहन सिंह लोधी है, मैं ग्राम कंदरापुर से गोटे गांव से ताल्लुकात रखता हूं। और मेरा 2009 में हाथ कट गया था, और मैं लगातार प्रयास करता रहा दौड़ के लिए, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में मैंने मेडल भी जीते, और दिव्यांग दिवस पर मैं प्रतियोगिताओं में शामिल होता रहा। और 2013 में मैंने स्टेट खेला, फिर मेरे को मौका नहीं मिला, मगर 2017 में मुझे मौका मिला तो मैं नेशनल गया, मगर वहां से सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ, जो कि गुजरात अहमदाबाद में आयोजित थी। और 100-200 में सेकंड स्थान रहा, जिसमें मेरी 100 मीटर में 13 सेकंड रनिंग आई, और 200 मीटर में 29 सेकंड आई थी। जबलपुर नगर निगम में कर्मचारी संघ का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नगर निगमों नगर पालिकाओं के कर्मचारी एकत्रित हुए। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लखन घंघोरिया भी शामिल हुए, जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बताया कि शासन कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। वहीं कर्मचारियों ने भी उम्मीद जताई कि शासन व्यवस्था में उन्हें नाम मिलेगा और कर्मचारियों के लिए शासन अच्छी व्यवस्थाएं कराएगी। देखिए जबलपुर से विकास पांडे की रिपोर्ट। कर्मचारियों की समस्याओं को नहीं माना गया, उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, तो आगामी समय आने वाले में संपूर्ण हम लोगों का जो नगर पालिका नगर निगम समिति है पूरी, वो सब एकजुट होकर पूरे मध्य प्रदेश में करेगी, जिसमें सबसे पहली मांग ये है कि जो अस्थाई कर्मचारी हैं वो तो स्थाई करो, यदि स्थाई नहीं करते तो विनवीकरण कर ही दो आप 2016 तक, अन्यथा वो मानने वाली बात नहीं। दूसरी बात, कंप्यूटर चला रहे लड़के देने वेतन वाले, लेकिन कंप्यूटर की जगह नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पूर्तियाँ की जाए, खाली की जाए। तीसरी बात कि ठेकेदार के द्वारा जो मजदूर काम कराए जा रहे, ठेकेदार भी अपना कमीशन खा रहा, ठेका देने वाला भी अपना कमीशन खा रहा, मुझे क्या बोलने में कोई संकोच नहीं है, तो क्यों ना आज की जो संभागी बैठक, खाना खा के जाना भी। आज की जो संभागी सम्मेलन है, ये निश्चित रूप से उद्देश्यों को लेकर रखा गया। देखिए क्या है, अनेक वर्षों से सम्मेलन हो रहे हैं, कर्मचारी संगठन एकत्रित हैं,
नई सरकार से हमें कुछ उम्मीदें हैं और निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी आपने देखा जो उन्होंने उद्बोधन दिया, हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारी सारी मांगों को निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे और हमारे कर्मचारियों को एकजुट होने का मौका मिला, अपनी समस्याएं वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के सामने रख रहे हैं उनको पूर्ण करने के लिए ही हमने ये किया है। और अगर ये पूर्ण नहीं होती इसका मतलब हमें फिर वही पुराने रास्ते पर आंदोलन की राह पर चलना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये मान रहा हूँ कि ये कार्यक्रम जो हमने रखा है इसमें हमें पूर्ण सफलता मिलेगी।